Hey guys, what's up? This is your one only Dipanjan and you guys are watching another damn Dipangama. अभी देखो ब्रेकफास्ट टेबल में थे, लेकिन टाइम जो हो गया ना, ब्रेकफास्ट नहीं है, लंच ही ऑलमोस्ट हो गया. इट्स 12:35 नाउ. सुदीप इज हियर एंड एक चीज़ हम दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग तो एग्जिट जाएंगे उधर से. इसमें टेंट का भी अरेंजमेंट्स है, बट हम लोग टेंट में तो रहे नहीं, टेंट में बस रहेंगे पैंगोंग में. एंड अ ब्यूटीफुल प्लेस, अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी. बाहर में है तीर्थो और प्रतु, सुदीप तो अभी जा रहा है. ऑल दी स्टिकर्स आर हियर एंड हियर इज आवर स्टिकर, The route with Uran on wheels and Dipangama written over here. So now let's go. गाड़ी कहाँ है? गाड़ी जो गंदा हुआ था ना भाई कल, भाई दिमाग का एकदम धजिया उड़ गया था, इतना गंदगी था. तो फिर जाके आज सुबह सुबह तीर्थों और प्रत्युष ने जाके इसको धुला दिया. अभी देखो नया नवेली हो गया. 350 रुपया लिया, मतलब 300 रुपया वॉशिंग का एंड 50 रुपीज़ टिप दिए हम लोग. इंटीरियर एक्सटीरियर सारे एकदम सही से कर दिए. एंड ये जो पादू में ना, यह ब्यूटीफुल प्लेस है. देखो बस व्यू देखो, व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू, अ मेसमराइजिंग व्यू. देयर इज अ चेंजिंग प्लान. चेंजिंग प्लान क्या है? चेंजिंग प्लान ये है कि हम लोगों का पहले प्लान था कि एक सुबह सुबह निकलेंगे इधर कारगिल में जाके, फिर कारगिल वॉर मेमोरियल देखेंगे, फिर कारगिल में आके फिर ले जाएंगे. बट वो तो हो नहीं पाए. कल जो इंसिडेंट हुआ इतना हेक्टिक गया, हम लोग सोचे आज का दिन एकदम हल्का रखेंगे, थोड़ा रेस्ट लेंगे, लेट निकलेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत दिन बाकी है. तो अभी से अगर हेक्टिक करना चालू करें ना, तो पूरा ख़त्म कहानी हो जाएगा. तो आज का प्लान एकदम नॉर्मल है, फ्रॉम पादुम टिल कारगिल. कारगिल में रहेंगे, नेक्स्ट डे जब हम लोग लेकिन ये निकलेंगे एपिसोड 5 में, तो वो टाइम में हम लोग कारगिल वॉर मेमोरियल देख के फिर जाएंगे ले. तो फिलहाल के लिए यही प्लान है. नेक्स्ट ऑन का टोटल किलोमीटर आपको दिखाते हैं कि टोटल ट्रिप बी जो था कोलकाता से, जिसको जीरो करके रखे थे हम, उसमें कितना किलोमीटर चला है गाड़ी. उसमें ऑलरेडी 2624, मतलब 2624 किलोमीटर ऑलरेडी गाड़ी चल चुका है. ये देखो, तो नाउ लेट्स गो फॉर कारगिल विच इज़ ओनली 246 किलोमीटर फ्रॉम हियर. 5 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे, आराम से जाएंगे. तो एंड तो फर्स्ट स्टॉप क्या मिलने वाला है हम लोगों को? रंगदुम. रंगदुम इज 120 किलोमीटर एंड वहाँ तक कुछ नहीं मिलेगा, वो अप्रॉक्स 120 है एंड वहाँ तक कुछ नहीं है. तो दैट्स द रीज़न हम लोग ना थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट कर लिए, मैगी एंड जो आपका एक ऑमलेट होता है वही खा लिए. सो चलो भाई, गाड़ी कर लिए स्टार्ट एंड अभी आगे बढ़ना है. एंड टाइम एक बार दिखा देते, लेट बहुत किए आज एंड वो जानबूझ के किए. क्यों किए तीर्थ हम लोग लेट? थोड़ा रेस्ट भी जरूरी, रेस्ट भी जरूरी है, क्योंकि अभी भी 10 दिन भाई रोड में रहना है, तो उस हिसाब से रेस्ट भी बनता है. तो नाउ लेट्स गो. जय मादामा. फर्स्ट गियर डाउन. ब्यूटीफुल जगह है भाई पादो. ये एक प्रॉपर ना टाउन है, यहाँ पे इंटरनेट वगैरह फोन का मतलब नेटवर्क सब कुछ मिल जाएगा, जो कि आपको बाकी रोड में नहीं मिलेगा. तो एक बार व्यू दिखाओ ये टाउन का सामने से. बहुत सारे होमस्टे वगैरह आपको मिल जाएगा इधर पे. क्या बेहतरीन व्यू है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अभी देखो ये तो लद्दाख जो जंस्कर है ना, ये जंस्कर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जंस्कर इज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट. दे आर डिमांडिंग फॉर अ डिस्ट्रिक्ट, बट कारगिल इज द डिस्ट्रिक्ट एंड जंस्कर एक जगह है. एकदम राइट. बट यही है ना? एकदम राइट. बट ये बात मैंने रिसर्च करके मुझे पता चला, बट लोकल पीपल्स आर डिमांडिंग फॉर अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जंस्कर एज वेल. ब्यूटीफुल जगह है. जस्ट लैंडस्केप व्यू देखो एक बार. दिस इज द प्रॉपर लैंडस्केप व्यू ऑफ पादुम. एंड ये देखो डाइने साइड में भी बहुत सारे होम स्टेज है, होटल्स है, बहुत कुछ है. एंड आगे हम लोग को पता नहीं है कि इंटरनेट और नहीं तो फोन का नेटवर्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा. अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं स्टोद रिवर. ये बाएं साइड से देख लो एंड ये रहा आपका रिवर क्रॉसिंग का ब्रिज. ये ब्रिज भी है, तो ब्रिज से आपको क्रॉस करना होगा. तो वी हैव क्रॉस द स्टोद रिवर. ये भी हम लोग का आइटिनरी के अंदर था कि स्टोद रिवर को देख के फिर जाएंगे. अच्छा, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर. बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग कर लिए, अभी सारे ऑफ रोडिंग करके
फ्रॉम हियर जहाँ पे हम लोग है स्कायाग्राम, स्काया विलेज, स्कायाग्राम थोड़ा क्रॉस करके, स्कायाग्राम बोल के एक विलेज है उसको क्रॉस करके 5-7 किलोमीटर आगे आए पूरा ऑफ रोडिंग पैच खत्म होके अभी तो भाई मक्खन जैसा रोड है। ऐसे रोड अगर मिलेगा तो क्या ही मेकअप करेंगे किलोमीटर। एंड उसके ही साथ यहाँ पे जो माइलस्टोन देखा वो माइलस्टोन में दिखा रहा है 195 किलोमीटर इस कारगिल एंड रंगदोम कितना किलोमीटर देखा 75। एंड इंटरनेट अभी तक चल रहा था, अभी फिलहाल के लिए इंटरनेट नहीं है। नेटवर्क का क्या स्थिति है? नेटवर्क आ रहा है जा रहा है। यहाँ पे और एक माइलस्टोन है, क्या बोला ये हिमलिंग, क्या हमलिंग ना, ये जगह का नाम है हमलिंग। अभी माइलस्टोन में जीरो करके हमलिंग बोला तो देख लो हमलिंग। बढ़िया रोड है भाई, बढ़िया रोड है। अभी तक तो ऐसा कोई रोड नहीं मिला कि अन मतलब ड्राइवेबल ऐसा नहीं है। जो आपको मतलब ये एडवेंचर करने के लिए आ रहे हो तो जो मेंटल सेटअप होना चाहिए वैसे ही रोड अभी तक तो मिला। कुछ होने से डेफिनेटली आपको दिखाएंगे बताएंगे। एंड कमेंट करो यार, कमेंट करो लास्ट सारे एपिसोड कैसे एंजॉय किए आपने। अभी देखो सामने का ऑल्टो का नंबर चेकआउट करो LA01। कल ही हम लोग एंटर कर चुके थे लद्दाख टेरिटरी। वो दूर जो देख रहे हो ना रेजिडेंशियल एरिया वो है कुशुल, पीछे बक्ताली मरा अभी क्या बोला वो दूसरा गांव है वो यहाँ से शुरू है। अरे वो बक्ताली में फेमस है, बक्ताली में है। अभी बहुत आदमी इनको नहीं पता होगा बक्ताली क्या होता है। एक्चुअली ये बक्ताली नहीं है, बोक्ताली है। अगर आप बंगाली हो तो आपको पता है, मतलब जो आदमी होता है ना ज्यादा फालतू का बातें बोलते हैं उसको बोक्ताली कहते हैं, मतलब लोकल लैंग्वेज है। तो कारगिल जाने के रोड में जब रंगडुम अभी भी यहाँ से 30 किलोमीटर लगभग बाकी है वहाँ से हम लोगों को मिल गया ये वाला। प्लान में ही था कि ये भी देखना है रंगडुम ग्लेशियर। जस्ट लुक एट दी व्यू एंड लुक एट दिस ग्लेशियर, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। पूरा एकदम साइलेंट है, आजू बाजू में कोई नहीं है। हम लोग फोटोशूट कर रहे थे इधर पे एंड ये रंगडुम ग्लेशियर भाई क्या व्यू है। 3:45 शार्प नाउ एंड राइट नाउ वी आर इन रंगडुम। तो ये रंगदुम होके ही आपको आगे जाना है कारगिल में। यहाँ पे छोटा मोटा कुछ होम स्टेज वगैरह भी है, यू कैन स्टे ओवर हियर एज वेल। आप देख सकते हो ये सब होम स्टेज ही है वहाँ पे है, नॉर्मल रेजिडेंशियल एरिया भी है। किलोमीटर जो कवर हुआ है पेट्रोल पंप से, मतलब वो पेट्रोल पंप एकदम नज़दीक ही था, दैट इज 114 किलोमीटर। तो 114 किलोमीटर है फ्रॉम पादुम टू रंगदुम। एंड इधर से अभी भी कितना देखे सुदीप, तो हम लोग अभी 140 किलोमीटर टू कारगिल, अभी भी 140 किलोमीटर जाना है। तो टाइम तो ठीक ही है, 3:45 हो रहा है, बहुत टाइम है। एंड रोड भाई पूरा मक्खन मिला जैसे रोड, हम देखिए बहुत अच्छा रोड है, मतलब A1। एंड सीनिक ब्यूटी बस देख लो इधर का, लाजवाब लाजवाब, ऑल स्नो कैप माउंटेन पीक्स। और इधर है हम लोग का गंबड़ अंजन, इधर पे कौन है गंबड़ अंजन, ये देखो इधर है सिंकुला टॉप, सिंकुला टॉप। तो चलो भाई फिर कंटिन्यू करते हैं ड्राइव को। रोड देखो बस, अगर ऐसा ही रोड कारगिल तक मिल गया ना भाई तो मस्त है, मस्त है। 145 किलोमीटर आई कैन कवर विद इन 2 आवर्स, 140 है ना अभी 140, तो 2 से 2 घंटा 25 मिनट के अंदर हम कवर कर लेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि इतना अच्छा नहीं मिलेगा, आगे जाके थोड़ा ख़राब होगा। जैसे कि हम लोग 114 किलोमीटर आए उसमें से मान लो ऐसे करके बता सकते कि 30 किलोमीटर से 40 किलोमीटर आपको ख़राब मिलेगा, बाकी का किलोमीटर आपको ऐसा ही रोड मिलेगा, यही सेम रोड ठीक है चलता है भाई। हाँ भाई, तो इसीलिए तो लद्दाख का है, थोड़ी ना सब जगह ऐसा ही रोड मिलेगा आपको। Yeah.
रिकॉर्डिंग बैच अभी तो फिलहाल के लिए खत्म हुआ है, मुझे पता नहीं है सामने आके मिलेगा कि नहीं, मिलेगा तो जरूर। एंड ये देखो भाई थोड़ा बहुत अच्छा खासा रोड मिला है, हाँ ठीक है ठीक ठाक रोड है। एंड यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा अभी, ये देखो ये बाएं से जो रिवर देख रहे हो इसका नाम है सुरु रिवर, ब्यूटीफुल रिवर विद दैट ब्यूटीफुल तीर्थ। क्या रिवर का व्यू आ रहा है तीर्थों के साथ, देख बढ़िया लग रहा है, बारिश भी हो रहा है, दैट्स द रीजन वाइपर ऑन है, क्या बात है। सो राइट नाउ फॉर अ टाइम चेक इट्स 5:04 राइट नाउ, चेक आउट द कंडीशन ऑफ नेक्सॉन, अभी एकदम प्रॉपर क्लीन एंड वॉश करके निकले थे एंड राइट नाउ कंडीशन देखो गाड़ी का, ये देखो यही होता है। बट मुझे ना बहुत अच्छा दिखता है जब गाड़ी ऐसा लगता है, आई मे साउंड अ बिट वियर्ड बट स्टिल मुझे अच्छा लगता है, तब समझ में आता है ना भाई गाड़ी ट्रैवल करके आ रहा है, नहीं तो अगर पूरा क्लीन गाड़ी रहेगा तो वो थोड़ा मतलब लगेगा कि गाड़ी इतना ट्रैवल कर रहा है, बोला यही कोलकाता गाड़ी है कोलकाता में है, वो मुझे मज़ा आता है। एक दिक्कत हुआ है, ये पीछे का जो डिफ्यूज़र किट है ना ये भाई खुल चुका है, मतलब ये यहाँ से स्क्रूइंग किया हुआ है तो दिक्कत नहीं होने वाला है, बट स्टिल ये खुल चुका है, कल वो टोइंग के चक्कर में दिक्कत हो गया था क्योंकि प्रेशर दिए थे एक बार पीछे से। एंड ये लेफ्ट साइड से भी देख लो पूरा धूल मिट्टी, तो इफ़ यू आर कमिंग विथ कार एक बजट ये बना लो कि 350-400-300 करके हर रोज़ का आपको गाड़ी को वॉश करना है, क्योंकि गाड़ी इसीलिए वॉश करना है कि जब निकलते हैं ना तो फ्रेश एक गाड़ी का लुक होना चाहिए, बाद में जाके गाड़ी ऑन दी रोड थोड़ा गंदा होगा तो अच्छा है कोई बात नहीं, लेकिन एक फ्रेश मूड के साथ निकलना चाहिए। शायद से 68 किलोमीटर होने से 70 किलोमीटर लेफ्ट फॉर कारगिल, फिर से चालू कर दिए सब आंसर सुधीर तो बोला तो ने बोला अभी हम ही तो सब बोलते तो चलो फिर से इंटरनेट नहीं है। तो भाई अभी हम लोग है सुरु वैली में, यहाँ पे मैं ना बहुत सारे रिसोर्ट्स है होम स्टे है, वो देखो राइट साइड में पीछे में मेनली था, मैं थोड़ा खाली सा जगह के आके फिर सोचा आप लोगों को दिखाए क्योंकि वहाँ पे क्राउडी था, थोड़ा क्राउडी मतलब उस हिसाब से क्राउडी, यहाँ का हिसाब से क्राउडी, हम लोग के हिसाब से देखे तो भाई कोई है ही नहीं। क्या ब्यूटीफुल वैली है, देखो अभी देखो छोटा मोटा ऑफ रोडिंग सुरु वैली से निकलते हुए हम लोग जा रहे हैं कारगिल की तरह, बहुत बढ़िया वैली है सुरु वैली, अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन स्टे, मतलब आप यहाँ पे रह सकते हो, बढ़िया जगह है पूरा एकदम अलग वाइब है, कोई नहीं है आसपास में, बस दिस काइंड ऑफ लैंडस्केप्स। कितना किलोमीटर बाकी है अभी, 68 किलोमीटर फ्रॉम हियर, ओनली 68 किलोमीटर। अभी जो विलेज के अंदर हम लोग हैं इसका नाम है पानीखर, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज बोलते हैं। ये पुलिस स्टेशन है, दिस इज अ पुलिस स्टेशन, बहुत शांत एक विलेज है एंड बहुत कुछ है यहाँ पे, पेट्रोल पंप है, पोस्ट ऑफिस है, बहुत सारी दुकानें हैं, मतलब फोर व्हीलर एकदम भर मार है यहाँ पे, तो इट्स अ मतलब बिग विलेज काइंड ऑफ, बड़ा विलेज है ये देखो विलेज। तो भाई फाइनली आके पहुँच गए कारगिल में एंड ये है हम लोगों का आज का रिसोर्ट आशीना इको रिसोर्ट, जो कि प्रॉपर कारगिल सिटी से लगभग 10 किलोमीटर दूर में है, तो हम लोग ना नॉर्मल कारगिल सर्च करके रखे थे मैप में, बस आ रहे थे तो ये रोड सही था क्योंकि इससे पहले ना बहुत ख़राब रोड मिला था, बहुत लंबा पैच था, मतलब मान के चलो आप 10 किलोमीटर का, तो फिर बहुत बढ़िया रोड हो गया एकदम मैसिव ब्रॉड तो फुल पावर। फिर जाके तीर्थों ने प्रतुष को बोला कि तू एक बार सर्च करके देख तो जो हम लोग का रिसोर्ट है वो कहाँ है, वो बोला ठीक है, तो बोले ऐसे अरे किया, फिर मेरा नज़र गया ये डाइने वाला बोर्ड में आशीना इको रिसोर्ट कॉटेज कैफे रेस्टोरेंट, एंड ये फोटोज़ वगैरह तो हम लोग पहले ही देख चुके थे बुकिंग करने से पहले, तो हम लोगों को लगा कि भाई यही है, अभी ऑलरेडी बुक्ड है, एडवांस भी कर चुके हैं हम लोग आने के वक्त, तो आप भी वही करो क्योंकि वो टायर्ड होते ना तो फिर आके भाई बहुत दिक्कत होता है। एंड आज का जो टोटल किलोमीटर आज कवर हुआ है दैट इज़ 228, एंड उससे पहले और 5-7 किलोमीटर ऐड कर लो क्योंकि पेट्रोल पंप से ये ट्रिप एको मैंने ज़ीरो किया था, तो ठीक है रेंज काफ़ी है अभी भी इस 353 किलोमीटर। एंड फॉर जस्ट फॉर अ टाइम चेक अभी हो गया पूरा 7 एंड 7 में लाइट देखो
काश कोलकाता में ऐसा लाइट होता 7 बजे में। एंड कंडीशन ऑफ द कार इज दिस, बहुत गंदा हुआ है। बट रोड का कंडीशन मोरल सही था, ऐसा कुछ खराब रोड था नहीं, बाकी सही है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। दिस रिसोर्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्ट, वन ऑफ द, इससे भी महंगा वाला है एंड इससे भी अच्छा वाला है, बट हम लोग रिसर्च करके देखे, बजट ओरिएंटेड एंड वन ऑफ द बेस्ट। दे आस्क फॉर 7,500 फॉर अ सिंगल रूम एंड वी हैव नेगोशिएटेड एंड वी हैव मेड द डील फॉर 5,500 विद ब्रेकफास्ट एंड वी हैव पार्क द कार ओवर हियर। सो हियर इज द कार। ए वॉशिंग हो ना एन, हाँ ठीक है। तो वी हैव पार्क द कार ओवर हियर, सेफ पार्किंग, नो इशू। एंड यहाँ स्टेयर स्टेयर करके है, देखो 1 step 2 step 3 step 4 step ऐसे करके ऊपर में एकदम टॉप स्टेयर में। तो बात हुआ था जब ऑनलाइन बुक किया, बाकी देखते हैं अभी। भाई एकदम फ्रेश हो चुके हैं अभी, बहुत टाइम क्या हो रहा है, 8:43 ना एंड 7 बजे के लगभग वो आसपास हम लोग 6:45 को पहुँचे थे। फिर तो 7 बजे आप लोगों को दिखा दिया कि येस वी रीच दिस रिसोर्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल है। दिस इज द रूम, थोड़ा टाइनी वन है बट ठीक है, मतलब बहुत छोटा नहीं है। ये वाइड एंगल की मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपको कितना समझ में आ रहा है? हाँ। स्पेस है, कैमरा में जगह, हाँ इधर में बहुत स्पेस है, इधर में स्पेस है, इधर में स्पेस है एंड यहाँ पे बेड, टीवी भी है एंड एब्सोल्युटली गुड। यहाँ से आपको सुबह सुबह कल व्यू दिखवाएंगे एंड बढ़िया व्यू मिलता है भाई। यहाँ पे है वॉशरूम, वॉशरूम ही स्पेशियस है, नो इशू विद दैट, हॉट वाटर सप्लाई भी है। सो ठीक है, आई गेस आज के एपिसोड आप लोग डेफिनेटली एंजॉय किए ही होंगे। अगर 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 आज का एपिसोड एंजॉय किए तो करना क्या है, लास्ट एपिसोड में आप तो कर ही रहे हो, थोड़ा ज़्यादा करो, थोड़ा ज़्यादा कमेंट करो, अच्छा लगता है, एंगेजमेंट होता है एंड मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई करता हूँ। एंड उसके ही साथ लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेटली डेफिनेटली दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि शेयर नहीं करोगे तो ये इन्फॉर्मेशन जो इतना दे रहे वो समझ में नहीं आएगा और जिनको एग्जैक्टली ज़रूरत है इन्फॉर्मेशन का उन तक पहुँच नहीं पाएगा। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, जो करना सो समझ के करना, बिना सोच के कुछ मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीदियो। इंस्टाग्राम में फॉलो करो दीप_अंगामा। तो मुझे अभी डेटा ट्रांसफर करना है भाई, तो इसीलिए मैंने व्लॉग एंड कर दिया अभी एंड विद दैट इंस्टाग्राम में फॉलो करो, बढ़िया बढ़िया एक से बढ़कर एक रील अपलोड हुआ है, जाओ जाके लाइक ठोको वहां पे जाके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।